ठीक, मैं बताऊंगा कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहित ने अपनी सो कॉल्ड वाइफ नैंसी के साथ मिलके मुझे नैंसी के ही मर्डर के झूठे केस में फंसाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर नैंसी जिंदा है तो उस दिन मर्डर किसका हुआ। मैं आपको बताता हूं, उस दिन मर्डर मिसेस प्रिया मल्होत्रा का हुआ, जो कि मिस्टर मोहित मल्होत्रा की असली बीवी है, जिसे मैंने एक बार मोहित के साथ देखा भी था। और ये जिसे हम सब मिसेस मल्होत्रा समझ रहे हैं, ये तो सिर्फ ताज जादूगर की असिस्टेंट है, जिसे ये अपनी बीवी बनाकर लाया है। She is Nancy, my wife, और तेरी भाभी। वापस आ। लेकर चलो इसे। मोहित को शुरू से ही शतरंज का बहुत शौक था, इसलिए इसने अपनी असली जिंदगी को भी शतरंज का खेल बना दिया। जो ओबेरॉय मैंशन इसके लिए चेस का बोर्ड था, वहीं मैं और मेरे परिवार वाले इसके लिए प्यादे। ये चाल पे चाल खेलता रहा और मैं और मेरे परिवार वाले इसे अपना दोस्त मानते रहे। जैसे ये ओबेरॉय मैंशन आया, इसने सारे सीसीटीवी कैमरास खराब कर दिए ताकि ये यहाँ पर जो कुछ भी करे खुद रिकॉर्ड ना हो पाए और मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाऊं। मिस्टर शिवाय, कैन यू एक्सप्लेन, आपको ये तमाम बातें कब और कैसे मालूम हुई? वो भी पता चल जाएगा। और फिर मोहित के प्लान के अकॉर्डिंग नैंसी मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। नैंसी का मुझ पे जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाना और मोहित का नैंसी के बजाय मेरा साथ देना, ये सब इसके ग्रैंड प्लान का हिस्सा था। अब इस बात को मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा मेरा दोस्त कितना अच्छा है, अपनी बीवी के बजाय अपने दोस्त को ट्रस्ट करता है। यही बात सोच के मैंने नैंसी को माफ कर दिया और इन दोनों को ओबेरॉय मैंशन रहने के लिए इंसिस्ट किया। सिर्फ यही नहीं, मैंने इनके ऑनर में ओबेरॉय मैंशन में एक पार्टी भी रखी, जिसका फायदा उठाकर मोहित ने सबकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया ताकि ये अपने मास्टर प्लान को अंजाम दे सके। मैं बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मैं चलता हूं। नहीं, मोहित के साथ देर रात तक पीने के बाद तकरीबन 3 बजे मैं अपने रूम में लौटा। नैंसी भी मेरा पीछा करते करते मेरे रूम में आ गई। हमारी काफी बहस हुई। उसके बाद मैं अपने रूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो मैं बेहोश हो गया, लेकिन मर्डर 4:30 पे हुआ और ये बात मुझे पता चली ओबेरॉय मैंशन के सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से। मैं ये सोच सोच के परेशान हो गया था कि आखिर 3 बजे से लेकर 4:30 के बीच हुआ क्या था। फिर मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले जिसे मुझे सारी बात समझ आ गई। जैसे ही हम सब बेहोश हुए, मोहित ओबेरॉय मैंशन से बाहर गया और अपनी बीवी प्रिया को लेकर वापस अंदर आया, जिसने बिल्कुल वैसे ही ड्रेस पहनी थी जैसे उस रात नैंसी ने पहनी थी। मोहित, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए और ये ड्रेस पहनने को क्यों बोला? सरप्राइज। व्हाट सरप्राइज? आओ, बता दो। ओके, कम विद मी। श्योर। मोहित ने जानबूझकर प्रिया का चेहरा इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया था कि कोई उसे पहचान ना सके और सबको यही लगे कि मर्डर नैंसी का हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, मोहित ने उस रात बिल्कुल वैसा ही वेस्ट कोट पहना जैसे मैंने पहना था, ताकि ये मुझे फंसा सके। मोहित का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम वॉटर टाइट। मैं हर जगह से ट्रैप। एक वक्त के लिए मुझे लगा कि शायद नशे की हालत में मैंने ही मर्डर किया, लेकिन फिर
कितनों को मुझ पे मुझसे भी ज्यादा भरोसा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे पुलिस से भागना पड़ा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं अपने परिवार के लिए।